बीजेपी नेता की बेतुकी दलील, प्रदूषण के लिए पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार। बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने हड़ताल कर रहे वकीलों को लगाई फटकार। दिल्ली में फिर शुरू हुई ऑड इवन स्कीम, सोशल मीडिया पर लोग जमकर शेयर कर रहे हैं मीम्स। चिराग पासवान बने लोक जनशक्ति पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। रानू मंडल के पास सेल्फी लेने आई फैन, भड़की रानू ने दिया ऐसा रिएक्शन कि वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली एनसीआर में फैले जबरदस्त प्रदूषित हवा के लिए बीजेपी नेता तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरठ में बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनी शारदा ने दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार दिया। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता विनी शारदा का कहना है कि पाकिस्तान ने कोई जहरीली हवा या जहरीली गैस छोड़ी है, जिसके कारण दिल्ली और एनसीआर के आसपास जहरीली धुन छाई हुई है। विनीत शारदा ने कहा कि जल्दी ही देश के कृष्ण और अर्जुन यानी मोदी और अमित शाह इसका रास्ता निकाल लेंगे। वहीं बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने हड़ताल कर रहे वकीलों को फटकार लगाई है। काउंसिल ने दिल्ली की अलग अलग बार एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब हाई कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई की, जांच आयोग बनाया, तब रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जांच लंबित रहते कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस के अधिकार में नहीं, इसलिए पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग पर हड़ताल का कोई तुक नहीं, इस बारे में फैसला लें और शाम 5 बजे तक जानकारी दें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर गंभीर प्रदूषण और हेल्थ एमरजेंसी से जूझ रहा है। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड इवन योजना को फिर से शुरू किया है। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि ये योजना एक चुनावी जुमला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाया था। वहीं सोशल मीडिया पर इस योजना को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों ने योजना शुरू करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया, जबकि अन्य ने कहा कि इससे कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिलेगा। लोग हैशटैग ऑड इवन योजना और हैशटैग दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर जमकर मीम्स भी बना रहे हैं और चुटकी लेते हुए ट्वीट भी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे और सांसद चिराग पासवान बन गए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज ये फैसला हुआ है। बता दें कि पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष रामविलास पासवान ने आज दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। बैठक का एजेंडा अन्य मुद्दों के अलावा पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव भी रखा गया था। चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तभी लगने लगी थी जब उन्हें अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की जगह पार्टी की बिहार इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके अध्यक्ष बनने के बाद समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार प्रिंस राज की शानदार जीत हुई थी। इस जीत का श्रेय चिराग पासवान की सक्रियता को दिया गया, क्योंकि इस उपचुनाव के साथ हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर गुजर बरस करने वाली रानू मंडल ने अपने वीडियो वायरल होने से रातों रात बॉलीवुड तक का सफर तय कर लिया है। फिल्म में गानों को अपनी आवाज देने के बाद अब रानू किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। रानू और उनकी आवाज के फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त हैं। ऐसे में रानू को किसी भी पब्लिक प्लेस पर देखते ही फैंस उनसे एक सेल्फी और हाथ मिलाने जैसी गुजारिशें करते दिखाई देते हैं। लेकिन अब रानू ने अपने फैन को जो रिएक्शन दिया है, जो हर किसी को खटक रहा है। हाल ही में इंटरनेट सेंसेशन रानू मंडल सुपरमार्केट में शॉपिंग करने पहुंची। इस दौरान एक एक्साइटेड फैन ने उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उन्हें छुआ।
फैन के छूने पर रानू मंडल जरा नाराज हो गई। इस दौरान उन्होंने सेल्फी तो नहीं दी, लेकिन अपनी इस महिला फैन को काफी जोर से डांट दिया। रानू मंडल की ये प्रतिक्रिया सोशल मीडिया यूजर्स को जरा भी पसंद नहीं आ रही है।